अस्सलामुअलैकुम, एक नए व्लॉग के साथ फिर थे दार रोमियो सर आपके लिए हाजिर है। तो आज व्लॉग क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है संडे को बाहर निकलना होता है। तो आज हम जाएंगे बाहर, देख पैर कहाँ जाएंगे, पीपल स्क्वायर में। पहले पीपल स्क्वायर में चक्कर मारेंगे, अगर तो मत है ठीक है, वरना यही आगे पीछे गलियों में रुल के वापस आ जाएंगे। क्यों, आप लोगों के लिए मुझे बनानी है वीडियो, तो इस वीडियो व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जात लेना, तैयार हो गए, अभी निकलते हैं।
लेकिन हमने आज यहाँ पे थोड़ा ड्रोन मारा, ये इधर छूटने लगी ये अपना फोटो खिंचवाने के लिए, तो इधर से ड्रोन मारा, अभी आगे पीछे भी छूट गया। आज छूट ही कर रहे हैं खाली, और कोई काम ही नहीं, हमें कोई और धंधा है, हम पूरे बारी करोगे। हमने बोला हमें कोई धंधा ही नहीं है, हमें छूट ही करना है और क्या धंधा। तो सीरियस अभी कहाँ जाने का मूड है, अभी तो पूरी रात पड़ी अपनी यार, और फोटो यहाँ मजा आ रही थी, एक ही मजा नहीं लगी तो एक ही फोटो ली। ओ मैंने बोला टॉक ही देखा, इतना बड़ा फ्लैग कभी देखा होगा तूने, बड़ा है कुत्ते ने। तो अभी हम फिर यही टीवी पे आए, इधर झंडा है, मैंने यहाँ बोला थोड़ा बहुत यहाँ शूट करते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं। सकता तूने क्यों पकाया, बोला धूप जा तो इन्जॉय द माइंड न्यू लव। और ये तूने खुद ही किया है तो, अरे धूप गई धूप गई, कैसा मंत्र वो मार की रुक जाना है। ये यहाँ की भी छोड़ गया टिकट 50 के लिए, 50 मेरी फर्स्ट डेट इधर लगी यार, ये तो नहीं बताया था तो क्या हम पता चल रहा था, कायदा था हम सामने बैठा हुआ है तो पता नहीं हो रहा कायदा हम खुद कौन सा शरीर। चल ऊपर ही पोर्टल डंडे में बेलो छठे पटे फाड़े ना, वो टिकटॉक वाला ट्रेंड चला है, हम भी वायरल होंगे, ये भी टिकटॉकर ही है एक नंबर का। अरे ये लिखे हो गया झंडा, अरे ये क्या मजा आ गया, इन्होंने लिखे क्यों किया फ्लैग को यार, इतना प्यारा लग रहा था ये हमारा पाकिस्तानी डंडा, वो रहा कायदे आजम, सलाम कायदे आजम, तेरा दिन चला गया। कहाँ देखा होता झंडा क्यों लिखे किया, अच्छे मर गए को लड़की के साथ बैठी हुई है। हाँ बस यार आजकल का जोर है, लेकिन मैं शरीफ हूँ तुझे पता है, मेरी तोड़ दी तूने आंटल कहीं का। ये लोग बेकार है, ये लोग जीवे भी यूँ ही गिरी पे पोए तो झोंपड़ी जाओ, लेकिन स्किन तो छुट्टी पाई होंगी ना, साफ आई तो थैंक यू टाइम और फिलहाल तो हम क्या बोलते हैं अपना टूट टूट भी कर रहे हो, टूट भी कर रहे हो और अपना वीडियोस भी बना रहे हो, अब बैठा गया तो यहाँ पे भी हमारी वीडियोस बन रही, हम टिकटॉक पे बना रहे हैं और वो बना रहे हैं, फैमिली भी इसकी बड़ी शर्म आ रही है लोग बनाने में भी और अपना टूट करने में भी, जगह बहुत ही अच्छी है ये माशाल्लाह, झंडा तो उतार ही आ गया, मेरी काम हो गई है, आगे आगे देखते हैं और क्या है। वो हो रहा चूरव ग्रुप, ये वहाँ पे पोर्ट है चाइना पोर्ट, ये सब जगहें एक साथ ये कि थोड़ा थोड़ा सा फांसलों पर बनी हुई है, ये थी तो अभी रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, जगह दी माशाल्लाह अच्छी थी, अभी सोच रहा हूँ कहीं चले, आज कोई जगह ही नहीं मिल रही, वो आज उसका नाम ले रहा था लेकिन वहाँ इतना मज़ा ही नहीं था, मुझे क्या पता था वही यार क्या था पिपल स्क्वायर यार, किसका पिपल स्क्वायर यार, तो मैं वहाँ लेके यार दो भी बद ना तुम पिपल स्क्वायर वहाँ इतना खास मज़ा नहीं था, हाँ डिनर विनर था लेकिन वो तो खुला ही नहीं था, अब खुल रहा होगा यार, जब मैं मोबाइल यूँ पकड़ता हूँ उल्टा यूँ चीज़ा लोग देखते ही कर रहा गया, अब उनको क्या पता ये बहुत बड़ा धंधा कर रहा है, अब उनको एक एक को जाके बताऊंगा तो नहीं ना, अब ये भाई लिख लो अल्लाह हाफिज, बात बताई नहीं हमने गाड़ी टीवी पे खड़ी की थी कि ये ना वहाँ पे टिकट देखे यहाँ पे आना था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये इस रोड से आ रहा है, लेकिन हमें लगा वो अंदर से ही आ रहा है, लेकिन अंदर से नहीं आ रहा था भाई, तो हमने दिमाग चलाया कि यहाँ भी पार्किंग में पैसे देने पड़ेंगे, सच्चा गाड़ी वहाँ खड़ी करते और पैदल यहाँ आते, लेकिन पता नहीं था कि पैदल भी यहाँ पैसे लेगा, ये इसका माइंड था, लेकिन फिर भी पैदल में ही पैसे लिए, शायद पार्किंग और अलग होते आई थिंक, अगर यहाँ खड़ी करते पार्किंग भी अलग होते वो भी अलग होते, तो साहब वही हो गया खाली पैदल चलना पड़ रहा है, देरी हो जाते और कितनी पे आए कुछ खाया पिए वो थी, तो अभी स्पैसी वेला में खाली पेट है तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा पेट पूजा करें, बहुत मज़ा आया
तीन चार घड़ाए गए आदमी, यहाँ फैमिली भी थोड़ी बात करना होगा, हल्का बात करना होगा। उन्हें भाई आप कुछ बोलेंगे जी? आप कुछ बोलेंगे? फिलहाल कुछ भी नहीं, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा लिहाज करते हैं। अगर आ चुका है हमारा तो भी बहुत तेज़ बोले भूख लगी है, तो इसको भी छूटना है। तो भी लोग पैदल ही करते हैं, इसको छूटते हैं। फाइनली खा पी के फारूक और जुमा पेट फुल भर गया है, तो यहाँ पे आराम से बोलना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो ये प्लेटें खाली हो गई, पहले आपने यही बड़ी हुई देखी थी, अब खाली हो गई। ये अभी तक लगा हुआ है, इससे जल्दी नहीं खाया जाता। जैसे कि अभी बाहर निकल गए, अंदर बात नहीं की जा रही थी यार, लगाई ऐसी थी, वहाँ पे मुँह ही नहीं खुल रहा था क्योंकि लेडीज भी थी और फैमिली बड़ी थी। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं, बहुत ही मज़ा। तो अभी यहाँ से चलने की करते हैं घर, आज का सीन यही था। और इसके बाद रमजान मुबारक आ रहा है, तो अगले संडे जाए नहीं जाए कुछ पता नहीं है, इस ब्लॉग के बाद अब ब्लॉग कब आएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ब्लॉग आएगा, उम्मीद है ब्लॉग नहीं टूटेगा। और रमजान में भी ब्लॉग इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा। आप लोग बताओ इस ब्लॉग को, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब करना, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करोगे तो मेरे 10K सब्सक्राइबर भी होंगे और मैं आगे भी बढ़ूँगा। तो उन्हें भाई भी कुछ कहेंगे आप इस बारे में? सब भाई को लाइक करें और फॉलो करें, सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट का चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप भी सपोर्ट करो। सपोर्ट तो हम आपको कर रहे हैं ना ऑलरेडी जी, तो आवाम करनी चाहिए, आवाम सपोर्ट, हम आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस लोग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला।